आज की रेसिपी है शाही पनीर। आज के इस रेसिपी वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप घर बैठे आसान तरीके से शाही पनीर को घर पे बना सकते हैं। अगर आपको भी जानना है सही तरीके से शाही पनीर कैसे बनाते हैं तो ये रेसिपी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना देर के बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर रेसिपी। शाही पनीर रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में एक बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लेना है। आप तेल की जगह पर यहाँ पे बटर का यूज कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे डालना है ये एक तेज पत्ता। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे ये एक टुकड़ा दालचीनी का। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है हरी इलायची। मैंने यहाँ पे ये चार हरी इलायची ली है। हरी इलायची मिलाने से शाही पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो हरी इलायची को बाद में पेस्ट बना के भी इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है लहसुन। ये 4 से 5 के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन की ली है। साथ ही मैंने यहाँ पे ये 1 इंच अदरक लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा रफली चॉप किया है। अब हमें यहाँ पे इस लहसुन और अदरक को भूनना है तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसे हम धीमी आंच पे लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास तक भून लेंगे। तो लहसुन अदरक भून चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। ये 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफली चॉप किया है। इसके अलावा यहाँ पे डालनी है हमें हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पे ये 2 हरी मिर्च ली हैं। अब हम इस प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे। तो प्याज को करेंगे मिक्स और मिक्स करते हुए प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा सेमी कुक होने तक भून लेना है। ध्यान दें हम यहाँ पे प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक होकर तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है टमाटर। मैंने यहाँ पे ये 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा रफली चॉप करके मिलाया है। शाही पनीर की ग्रेवी में प्याज और टमाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए, तभी जो हमारी ग्रेवी वो परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होती है। तो शाही पनीर की ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज के साथ 3 टमाटर का यूज किया है। इससे हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से बनके तैयार होगी। अब हमें यहाँ पे मिलाना है ये 1/4 चम्मच के आसपास नमक। अब हमें यहाँ पे टमाटर और प्याज को इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे हम धीमी आंच पे लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक भून लेंगे। इस तरीके से भूनने से जो हमारा टमाटर वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और हल्का सा प्याज हमारा पक जाएगा। आप चाहें तो प्याज टमाटर को थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक पका लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलानी है लाल मिर्च। तो ये मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के यहाँ पे यूज किया है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे पानी। तो ये 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। अगर आप इसे नापेंगे तो ये लगभग 250 ml के आसपास है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे काजू। तो मैंने यहाँ पे लगभग 10 से 12 के आसपास काजू लिए हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। काजू मिलाने से शाही पनीर की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो काजू को आप जरूर मिलाएं। अब मैं यहाँ पे इस प्याज टमाटर को काजू के साथ इस तरीके से एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे हमें धीमी आंच पे लगभग 14 से 15 मिनट के आसपास तक पका लेना है। हमारे प्याज टमाटर को पकते हुए लगभग 15 मिनट के आसपास टाइम हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और ढक्कन हटाने के बाद इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा प्याज टमाटर अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, टमाटर हमारा काफ़ी हद तक गल के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस प्याज टमाटर और काजू को हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर जार में बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा देर ठंडा करने के बाद इसे अच्छे से बारीक तरीके से मैंने पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस पेस्ट को छान के भी शाही पनीर की ग्रेवी में मिला सकते हैं। तो चलिए शाही पनीर को बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। आप घी की जगह तेल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे डालना है पनीर। और पनीर को हम गर्म घी में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक डालेंगे, नहीं तो जो गर्म घी की जो छींटे हैं वो हमारे हाथों पे आ सकती है। शाही पनीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के आसपास पनीर का यूज किया है और पनीर को मैंने यहाँ पे एज कम्पेयर थोड़ा सा बड़े साइज के टुकड़ों में काटा है। शाही पनीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर का यूज किया है। आप चाहें तो इसे फ्रोजन पनीर के साथ भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस पनीर को फ्राई करना है, तो पनीर को हम दोनों साइड से लगभग 1.5 से 2 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे पनीर को इस तरीके से बीच में अलट पलट के इसको दोनों साइड से हल्का सा फ्राई कर लेना है।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस पनीर को अलट पलट के दोनों साइड से लगभग 1.5 से 2 मिनट के आसपास तक फ्राई कर लिया है। पनीर हमारा हल्का सा ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और इस पनीर को हमें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद हम ग्रेवी को बनाना शुरू करेंगे। शाही पनीर की ग्रेवी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे बचे हुए घी को गर्म कर लेना है। अगर आपको घी कम लगे तो घी की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है 1 चम्मच जीरा। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे ये 3 से 4 लौंग, साथ ही हमें यहाँ पे ये 4 से 5 काली मिर्च मिला देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे ये 1 हरी मिर्च मिला देंगे। फिर हमें यहाँ पे मिला देना है ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे ये 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर मिला देंगे। फिर हमें यहाँ पे ये 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला देना है। अब हमें यहाँ पे इन सारे मसालों को थोड़ी देर भून लेना है, तो इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए सारे मसालों को धीमी आंच पे 1 मिनट के आसपास तक भून लेंगे। मसाले हमारे भून के तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज टमाटर का पेस्ट, जिसको कि हमने पहले से तैयार करके रखा था। आप चाहे तो प्याज टमाटर के पेस्ट को थोड़ा सा छान सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस प्याज टमाटर के पेस्ट को बाकी मसालों के साथ इस तरीके से एक बार मिक्स करके इसे हम 1 से 1.5 मिनट के आसपास तक भून लेंगे। तो मैंने इसे थोड़ी देर भून लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है पानी, तो जार को धोने के बाद जो थोड़ा सा पानी यहाँ पे बचा था मैंने उसे भी यहाँ पे मिला दिया है। अब हम इस ग्रेवी को एक बार फिर से इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम धीमी आंच पे लगभग 6 से 7 मिनट के आसपास तक और पका लेंगे। ध्यान दें हमें यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी को लगभग 6 से 7 मिनट के आसपास तक और पका लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है पानी, तो 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। अगर आप इसे नापेंगे तो ये लगभग 250 ml के आसपास है। अब हम इस ग्रेवी को एक बार फिर से इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मिलाना है गर्म मसाला पाउडर, तो ये 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे गर्म मसाला पाउडर मिलाया है। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे कसूरी मेथी, ये 1/2 चम्मच मिलाई है। कसूरी मेथी को मिलाने से पहले इसे हम तवे पे थोड़े देर भून लेंगे, उसके बाद इसे हम 2 हाथों के बीच में क्रश करके मिलाएंगे, इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है पनीर, तो पनीर को मैंने यहाँ पे पहले से फ्राई करके रखा था। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी शाही पनीर को बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे नमक, तो ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान दें हमने शुरुआत में भी नमक मिलाया है, तो नमक को थोड़ा सा ध्यान में मिलाएं। अब हम इस पनीर को शाही पनीर की ग्रेवी के साथ इस तरीके से एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे और ढक कर इसे हम धीमी आंच पे लगभग 5 से 6 मिनट के आसपास तक हमें इसे और पका लेना है। हमारी शाही पनीर को पकते हुए लगभग 6 मिनट के आसपास टाइम हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और ढक्कन हटाने के बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी शाही पनीर लगभग बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे मिलाना है क्रीम। तो ये 1/2 कप मैंने यहाँ पे क्रीम मिलाई है, अगर इसे आप नापेंगे लगभग 6 चम्मच के आसपास है। अब हम इस क्रीम को भी शाही पनीर की ग्रेवी के साथ इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। लेकिन ध्यान दें हमें यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी को बीच बीच में चलाते रहना है, तभी जो हमारी ग्रेवी है परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ग्रेवी को लगभग 1.5 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है ताज़ा धनिया पत्ता, जिसे मैंने थोड़ा सा बारीक काट के मिलाया है। अब हम इस ताज़ा धनिया पत्ता को भी शाही पनीर की ग्रेवी के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी शाही पनीर रेसिपी परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। आप भी फ्रेंड्स कभी भी किसी भी समय शाही पनीर को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा शाही पनीर बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।